आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 28 जून के ईश्वर वरदान में। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य दृष्टि दी है, उसको हम इस्तेमाल करें और हम इस दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के द्वारा हर कार्य करें। तो परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर वन लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि, डिवाइन या दिव्य, डिवाइन मतलब कि आपने हर चीज को पवित्रता से देखना है और उनके अंदर आप परख सकते हैं और उनके अंदर क्या कमी कमजोरी है, लेकिन आपकी भावनाएं उनके प्रति आपकी दृष्टि कभी खराब ना हो, उनको आप गलत दृष्टि से ना देखें। हाँ, उनके अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, उसको आप पहचानें और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनको आप बुरा ना कहें। तो ब्राह्मण कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, हर एक आत्मा को पहचानने की उनके अंदर क्या कमजोरी है, क्या इनसिक्योरिटी है, यह है रूहानी दृष्टि। रूहानी दृष्टि मतलब आत्मा भाई हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे हम आत्मिक दृष्टि में आते हैं, आत्मा का ज्ञान मिलता है, हमारी दुनिया को देखने का तरीका, नजरिया बदल जाता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है कि हम किस नंबर में आते हैं, हम कितनी रूहानी दृष्टि रखते हैं, कितने हम रूहानी और दिव्य बुद्धि रखते हैं। अगर हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होती है, हमारी बुद्धि जिस्मानी बुद्धि हो जाती है, लेन देन में मेरा तेरा, तो फिर हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है और हमारे नंबर कम हो जाते हैं। और रूहानी दृष्टि ना होने से हम हर दिन की दिनचर्या में अगर हम रूहानियत में नहीं होते हैं, जिस्मानियत में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा नंबर कम होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो विजडम कम हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है, रूहानी दृष्टि, रूहानी बुद्धि और दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि मतलब कि मुझे जो भी कार्य करना है, कर्म करना है, जो भी सोचना है, वो मुझे पवित्र सोचना है। मुझे किसी से घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये सारी चीज़ें रख करके, उनके प्रति कुछ भी बदले की भावना, कुछ भी रख करके मुझे कोई कर्म नहीं करना है। मुझे सही में बैठना है, सही तरीके से चलना है, बस। बाकी रूहानी दृष्टि हो, कितने गंदे लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बड़े ये हैं, वो हैं, ये हमें सोचना ही नहीं है। ये लोग कितने खराब हैं, कितने करप्टेड हैं, ये बोलना ही नहीं है, रूहानी दृष्टि नहीं हुई। रूहानी दृष्टि मतलब इनको पता नहीं है, इन आत्माओं के अंदर लास्ट में कलयुग में पहुँचते इनके अंदर विकार घुस गए, इनको पता भी नहीं है कि इनके अंदर ये विकार है, इनको समझ भी नहीं इनके अंदर ये विकार है। ओके, मुझे समझ है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बस, लेकिन मुझे किसी को बुरा कहना नहीं है, हर किसी को रूहानी दृष्टि से देखना है। इन्हें हर संकल्प, ये जो बातें हमने बोली, इनको हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है, उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति, हमारा एटीट्यूड और के प्रति, और हमारा जो कृति, कर्म जो होता है, वो स्वतः बदल जाता है। हम किसी से झगड़ा करके, किसी से हम बदला लेकर के, किसी को हम नीच दिखा करके, किसी को हम वो नहीं करते, कभी नहीं करते। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से, दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य जो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, इसमें हम हर एक के अंदर अच्छाई देखते हैं, हर एक के अंदर हम अच्छाइयों को लेकर के चलते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वतः सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से, जो हम निर्णय करते हैं उससे हम, अगर दिव्य बुद्धि से करते हैं, अगर हम जिस्मानी बुद्धि से नहीं करते हैं, मेरे तेरे में नहीं आते हैं, कंजूसी में नहीं आते हैं, अभिमान में नहीं आते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा नहीं करते हैं, तो जो भी हम निर्णय करते हैं वह स्वतः सेवा, संबंध और संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। उससे ऑटोमेटिकली हम सबसे बना करके आगे बढ़ते चलते हैं और कुछ बिगड़ता नहीं है। यही चीज़ें हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती हैं। इसको हम जितना फॉलो करते हैं, उतना हम उच्च पद पाते हैं। ओम शांति इसके साथ।